स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमने मंगा लिया यहाँ पे फ्रीजन का, क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन। तो अभी हमने इस इंडक्शन को मंगा लिया है जो कि सूटेबल फॉर रोटी, डोसा और डीप फ्राइंग करने के लिए भी है, क्योंकि इस पर प्रेशर कुकर भी हम यूज कर सकते हैं। साथ में इसके बॉयल मिल्क भी है और करी भी बना सकते हैं, इडली भी इस पे बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस पे, ये डिटेल्स दी गई है जिस पे कि नीचे यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है, क्वांटिटी वगैरह के साथ में मॉडल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है और 1800 वाट के साथ में ये आपको मिलता है। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं इस पैकेट को कि हमें क्या क्या मिलता है इसके पैकेट के अंदर में। तो इसके ऊपर ये मे बी इन्वाइस होता है, ये थोड़ा सा इन्वाइस चिपकाने का तरीका इनका समझ नहीं आया, ऐसे नहीं चिपका जाता है। फिर भी खोलते हैं इसको, ये इन्वाइस ही है। अब तो हमने इसको फाड़ ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी दूसरी कॉपी अगर आप लगता है कि ये डैमेज हो गया है तो आप फ्लिपकार्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको पूरा फाड़ ही देते हैं और बाकी इसमें बचा कुछ वैसे भी नहीं है। फ्लिपकार्ट पे जाके ऑर्डर डिटेल्स में जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा इनवाइस। दूसरी ये आपके सामने डिटेल्स लगाई गई है। अब इस बॉक्स की हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैक करके दोबारा रखना हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन हमें रेगुलर यूजेज में रखना है इसको, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं। इसके पैर को भी हटा देते हैं, ये देखिए इसके दो बहुत बढ़िया बढ़िया से पैर दिए गए हैं चलने के लिए, रखने के लिए। और इसके साथ में ये हमें वायर मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी क्वालिटी के साथ में लगभग थोड़ा सा हमें छोटा लग रहा है, लेकिन ठीक है हमारे लिए क्योंकि किचन के बगल में ही है तो ये बेहतर है। इसके साथ में देखिए ये आपको लोगो मिल गया, ये इसका वो रेंज रहा जिस रेंज के ऊपर हमें बर्तन को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ में दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये इसमें कुछ इसकी एक बार बैक साइड में देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका मॉडल नंबर हो गया, मॉडल नंबर के साथ में ये प्रॉपर उसकी डिटेल्स हो गई। अगर चूँकि अब ये अभी आया हुआ है तो 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी इसके साथ अप्लीकेबल है, रिप्लेसमेंट और रिटर्न, ये उसकी डिटेल्स दी गई है। कुछ की अगर इसमें कोई एरर आता है तो आप उस एरर्स के थ्रू आप जान सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और वही एरर आप वो एरर अगर जैसे किसी तरीके का अगर आपने जैसा देखा इसमें कोड दिया हुआ है E0, E1, E2, E3, तो जैसे E2 की बात करते हैं तो सप्लाई वोल्टेज इज टू हाई, ये एक एरर है। अगर किसी टाइप में इसमें एरर आता है तो आप उसमें पीछे से पढ़ सकते हैं, आपको बता देगा और इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे सप्लाई एरर, सप्लाई जो है वोल्टेज की वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस चक्कर में ये आपका नहीं चलेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो आप कॉल सेंटर में कॉल करके जब आप बताएंगे पिजन कंपनी में तो वो आपको उधर से बता देंगे और सर्विस सेंटर के लिए गाइड करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको सबसे पहला है ऑन और ऑफ। आप सिंगल क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा और सिंगल क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल फंक्शन है इसके साथ में। इसके साथ ही दोस्तों ये पावर का हो गया और पावर के साथ में ये एक फंक्शन की दिया हुआ है जो कि हम अभी यूज करके आपको आगे बता देंगे कैसे होगा। और इसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो कि आपने ऑन कर लिया, ऑन करने के साथ में आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करने आ गया, मतलब ये टेम्परेचर प्लस करने के लिए है और ये माइनस करने के लिए है। तो इससे टेम्परेचर को आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ जी हमें और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो आप टेम्परेचर को इससे बढ़ा सकते हैं और इससे आप घटा सकते हैं। ये आप टाइमर सेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको लगता है कि चाय आपको 2 मिनट में बन जाएगी तो आप 2 मिनट का यहाँ से टाइमर सेट कर सकते हैं और टाइमर सेट करने के बाद 2 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बहुत बढ़िया फंक्शन दिया गया है कि ऑटोमेटिक ये चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली टाइमर सेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये करंट वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे शो करेगा, वोल्टेज हाई होगा या लो होगा ये आपको यहाँ पे बता देगा। इसके साथ में दोस्तों ये अगर प्रेशर कुकर आप चढ़ा रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये इंडिकेट दिया हुआ है, ये करी के लिए, हिट मिल्क, ये सब मतलब जैसे आप इस पे करेंगे तो ये प्रॉपर उसी सब चीज़ों के लिए दिया गया है।
तो दोस्तों ये जो आपके नीचे दिए हैं ये कोई बटन नहीं है, ये इसको हम इट्स कॉल्ड इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर है। जैसा कि आप यहाँ से कुछ फंक्शन की जो ये दिया हुआ है आप इस पर सेट करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे कुकर पे करेंगे या फिर करी पे करेंगे तो यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि आप ये अभी करी वाला कर रहे हैं। अगर आपको दूध गर्म करना है तो आप ये हीट मिल पे करेंगे तो ये यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि हाँ अब आप दूध गर्म करने वाला फंक्शन आ गया है, अब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारे ये वीडियो, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मान लीजिए आज आपने मंगाया दो चार दिन बाद अगर ये काम करना बंद कर दिया तो इसकी आगे की क्या प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। तो फाइनली दोस्तों एक बार हम इसका फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं, जैसा कि इसको चालू करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसको प्लग में इन कर देना है, और प्लग इन करने के साथ में हमें क्या करना है कि एक छोटा सा एसिस का आप कटोरी इसमें वाटर बॉइल करने के लिए हमें रख देना है। रखने के साथ ही दोस्तों अब आपको सिंपली यहाँ पे ऑन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑन पे क्लिक करेंगे ये आपका कंप्रेसर ऑन हो गया, इसका हीटर, और अब आप यहाँ से प्लस की जगह माइनस टेम्परेचर करिए और कम से कम ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपका चलेगा, और मैक्सिमम में ये आप जितना आप चाहें यहाँ से टेम्परेचर को प्लस कर सकते हैं। मैक्सिमम 1800 वाट तक आप इसको टेम्परेचर पे हीट कर सकते हैं। अभी मैं पानी यहाँ पे गर्म कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्राइड का यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। आप ये देखिए बॉयल होना यहाँ पे शुरू हो गया है बिल्कुल, और इसके साथ में यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ये पानी बॉयल कर रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप तो फाइनली दोस्तों हमने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद आज हमने आपको इस वीडियो में बताया किस तरीके से आप नए इंडक्शन को आप यूज कर सकते हैं और इजी वे में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।